अब देखें कि जो कि मेरी फिश है इसकी लुक चेक करें गाइस, किसके मुंह में पानी आया है इसकी लुक देख के, साथ में ऐसा ऐसा रायता आए, हाय हाय हाय। मैं वो चीजें आपके साथ शेयर नहीं करती, जो शेयर करती हूँ उसके मुताबिक आप लोग अपनी सोच को, आपकी सोचों को ग्रैंड। यार ये रोटी ले आई है पर मेरा दिल दूल नहीं कर रहा रोटी खाने का, मेरा दिल कर रहा है मैं सेपरेट फिश खाऊं। आराम से, अब ध्यान से सारे इसके अंदर ना कांटे हैं। मेरी जिंदगी में इतने कांटे हैं, इसके कांटों का मैं क्या कांटे का। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हो ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेरों सारी खुशियाँ बांटते रहें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, वो कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल वीडियो को लाइक शेयर अच्छे से कमेंट करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और मस्त रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने सज्जन सही होंगे साथ साथ रहें। सो गाइस आज हम लोगों ने बनाई है फिश, जो कि आपको पता है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो शुरू शुरू में एक दफ़ा होगी और मेरे बैकग्राउंड में जो शोर है प्लीज़ उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना, क्योंकि बच्चा पार्टी आई हुई है। सो सर्दियों की फर्स्ट फिश जो हम खा रहे हैं, तो मैंने कहा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं वैसे तो वो जो होती है सालन वाली फिश यानी कि शोरबे वाली, वो मैं नहीं लाइक करती, बट हाँ जो ये ऐसे फ्राई करी हो ना, आए हाय हाय हाय। अब ये बता देना कमेंट में किस किस के मुंह में पानी आया है। अब देखें कि जो कि मेरी फिश है इसकी लुक चेक करें गाइस, किसके मुंह में पानी आया है इसकी लुक देख के, साथ में ऐसा ऐसा रायता आए, हाय हाय हाय, साथ में मीठी चटनी, ओए होए 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 होए, साथ में हिना, आए हाय हाय हाय, वालेकुम सलाम हिना, मेरी तेरी कौन सी दुश्मनी है, कैसे लोग ऐसे अजीब अजीब बरकतें करते हैं यार लोगों की बात में ना जाकर लोग ऐसे बातें करते रहते हैं। और आप ना ऐसा ना क्या करो कि इनके बारे में बुरा या मेरे बारे में बुरा, ऐसा बिल्कुल भी ना क्या करो, हमें जो रिश्ता है ना वो हमें पता है। अच्छा गाइस मेरी बात सुने, बात ये है कि हिना जो हिना की पहले की लाइफ थी ना, अब मैं वो नहीं एक्सप्लेन कर सकती ना मैं आपको बता सकती हूँ कि पहले क्या था या क्या हुआ था या क्या सिचुएशन थी, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। तो इस तरह किसी को ना बोला करें कि ये फलां ऐसे कर रहा है, फलां ये कर गया, फलां वो कर गया। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश है, अगर वो खुश ना होती तो वो कब की यहाँ से भाग चुकी होती। बाकी रही हंसी मजाक की बात, वो तो मैं इसको मुंह पर कहती हूँ ये है ही दंदो, ये है ही दंदो, ये मुझे क्या क्या कहती है आपको नहीं पता, ये मेरे ऊपर चढ़ती है, मुझे मारती है, मेरे से खेलती है, पता नहीं क्या क्या हरकतें करती है। मैं वो चीजें आपके साथ शेयर नहीं करती, जो शेयर करती हूँ उसके मुताबिक आप लोग अपनी सोच को, आपकी सोचों को ग्रैंड सल्यूट दूंगी मैं। खैर और ना मेरी बात सुने, मैं ना आप ही को मतलब हम दोनों एक आप ही मुझे मार भी लेती है, मैं आप ही के ऊपर इतनी मैं आप ही को तंग करती हूँ, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती हूँ, बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ, लेकिन इनकी हिम्मत है जो मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ बाकी रही हंसी मजाक, तो मैं तो अपनी बहन को भी कहती हूँ, मैं उससे भी बहुत मजाक करती हूँ, मैं अपनी बड़ी जो मेरे से बड़ी बहन है ना, मैं उससे भी ज़्यादा मजाक करती हूँ, हालांकि मुझे वो ये फील नहीं आता कि वो मुझसे बड़ी है तो मुझे उसके साथ रिस्पेक्ट है। हाँ हाँ मैं अब मैं सोचूँ ऐसे तो मेरी बड़ी बहन है, मुझसे रिस्पेक्ट से रहूं, ये रहे वो रहे, मैं वो मुझसे मजाक करती है, मैं उससे मजाक करती हूँ, हम कई चीजें होती हैं जो कैमरे में नजर आती हैं, वो चीजें वो नहीं होती जो नजर आ रही होती हैं आपको। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं मतलब मेरी नेचर है मैं सबको छेड़ती हूँ, सिवाय हिना के, हिना से तो डबल छेड़ है ना मेरी, बाकियों को थोड़ी बहुत हंसी मजाक करती हूँ, एक अलग बात है, मेरी मछली ठंडी हो जानी है पहले आप फिर तुम्हारी क्लास लगाती हूँ। यार ये रोटी ले आई है पर मेरा दिल दूल नहीं कर रहा रोटी खाने का, मेरा दिल कर रहा है फिश वाले, मैं सेपरेट फिश खाऊं। आराम से, अब ध्यान से सारे इसके अंदर ना कांटे हैं। मेरी जिंदगी में इतने कांटे हैं, इसके कांटों का मैं क्या कांटे का कांटे जैसे मैं इसमें से फिश में से आज कांटे निकालूंगी ना, मैंने अब अपनी जिंदगी से ऐसे लोग जो लोग है ना डबल फेसिस लोग है, उनको भी मैंने कांटों की तरह निकाल देना, जैसे इसमें से मैं कांटे निकाल रही हूँ। अपने बहन भाइयों से ना मजाक करें, हाँ ना ऐसा करें, फिर मानती हूँ। हीना को भी निकालूंगी, पहले मैं लोगों को ये देखें गाइस, शरीको देखो, शरीको मच्छी खा रहे हैं, तुसी भी खा रहे हो चलो
देख लो कि मुझे फिश भी सारी नहीं खाएगी, रोटी भी नहीं खाएगी। इन्ना ने माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी फिश जो है ना फिनिश कर ली। अभी ये देख लें कि सुबह तकरीबन कितनी रोटी खाई थी मैंने, हाँ वो भी सूखी। अब मैंने अपनी खुराक चेंज कर ली है बिल्कुल, क्योंकि मैंने परांठा परांठा छोड़ दिया है और मैं डाइट का सोच रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी करके ना पहले अपनी खुराक कम करूँ। मतलब पहले मैं एक रोटी खाती थी, अब मैं उसको आधी में कन्वर्ट कर दूँ। पहले वो पराठा खाती थी, अब सूखी खाती है। सूखी भी मैंने आधी कर दी है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब प्रॉपर चीज़ें मैं कर दूंगी। कुछ दिन हैं, कुछ दिनों के बाद तकरीबन यकम से मैंने जिम ज्वाइन कर लेनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर जिम में मेरी क्या क्या फिटनेस होगी, जिम में मैं क्या डाइट लूंगी, जिम में मेरे फर्स्ट डे क्या होगा, सेकंड डे, मतलब उसमें हाँ उसमें वो डिफरेंट करेंगे। हाँ जिम में क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है ना, लेग्स की कभी एल्बो की कभी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सी होती हैं। फिर जैसे जैसे मैं इंशाल्लाह जिम करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह मेरा माइंड यही है कि मैं 2 मंथ्स की जिम करूँगी। 2 मंथ में मैंने अपना तकरीबन जो वेट लूज़ करना है, अभी मेरा जो वेट है वो 50 kg है, मेरा 50 kg वेट है जो कि मैंने करना है 40। जब मेरा 40 हो गया फिर मस्त है, तेरा तो है ना मेरा 40 है। फिर आपने मेरी फिर हीना की तरह मैं कमजोर होके दिखाऊंगी अब अरे आप लोगों के साथ एक और बात भी करनी थी, वो ये कि काफी लोगों ने कहा कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, ये आप लोगों ने ऐसे ड्रामा किया। मुझे पहले ये बताएं कि आप एक रोड पे खड़े हैं, रोड पे खड़े आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप व्लॉगिंग के लिए एक ड्रामा कर रहे हैं कि भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया है, लोग आपको आके बचा रहे हैं, रेस्क्यू वाले आपको आके बचा रहे हैं, तो वो एक क्या वो प्लानिंग होती है, वो एक ड्रामा होता है जिसमें ये सब कुछ हो जाता है। वैसे आप लोगों की सोच को वाकई बहुत ही बड़ा सलाम है जिसने ऐसे कमेंट किए, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा दिल कर रहा था क्योंकि मैं फ़ौरन से उठूँ और व्लॉग बना के ज़रा उन लोगों को बताऊँ कि ये मुझे ये बताएं कि आपके साथ ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, आपका क्या लाइफ में कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपके किसी प्यारे का किसी अजीज का एक्सीडेंट नहीं हुआ। होता है, सबके साथ होता है, लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी भी होती हैं। सो मतलब मेरा मेन मकसद पता क्या था कि हम एक व्लॉग शूट करने के लिए जा रहे थे, हिना और ज़ारा ने जैसे कि ज़िद की, उसके बाद का मैंने आप लोगों को व्लॉग भी दिखाया कि हिना और ज़ारा ने ज़िद की, मुझे रेडी किया। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने फिर भी एग्री किया कि यार बच्चों की खुशी के लिए मैं जाऊँ और प्रॉपर एक व्लॉग बना लेती हूँ, चलो क्या है। तो हमारा व्लॉग स्टार्ट था, हम व्लॉग बना रहे थे, उस बीच में ही हमारा एक्सीडेंट हुआ। वो व्लॉग फिर मेरी छोटी सिस्टर ने शूट किया। देखिए हम अगर शादी करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, अगर हमारी खुशी है कुछ भी है तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, आप लोग देखते हो। अब मुझे ये बताओ, एक मिनट अजाने हो रहे फिर मैं आपको बताती हूँ। देखें हमारा कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, कोई भी खुशी या कोई गम वगैरह होता है, मतलब ज़्यादातर खुशियाँ हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी लाइफ में सिर्फ खुशी है, हमारी लाइफ में कोई गम नहीं है, हमारी लाइफ कोई डिस्टर्ब नहीं होती, मतलब हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ अगर हम आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ जाहिर मतलब शेयर करते हैं ना खुशियाँ, तो आप हमारे गम भी देखा करें। देखें बात ये नहीं होती कि आप, मुझे इतना इस चीज पे दुख आया, इतना आया कि आप लोगों ने कहा कि ड्रामा कर रहे हैं, हीना का जानबूझ के एक्सीडेंट करवाया। मतलब एक ही जगह पे हम एक ही रिक्शे में जा रहे हैं, तो हमने क्या मतलब रिक्शे वाले को कहा था कि हीना का आके एक्सीडेंट करवाओ। यार जाहिलो इस तरह की बातें नहीं करते होते, आप लोग जो भी करा करो ना कमेंट सोच समझ के किया करो या किया ना करो, क्योंकि कमेंट से ही आपकी तरबियत का पता चलता है। तो अच्छे लोग हमेशा अच्छे कमेंट करते हैं और जो बुरे होते हैं वो अपनी तरबियत जाहिर करा देते हैं। खैर मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि आप मुझे डिग्रेड करेंगे या ऐसे कुछ सवाल जवाब करेंगे तो मैं क्या यूट्यूब छोड़ दूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो जब तक यूट्यूब हमारे साथ साथ है, ना रही जिंदगी तो फिर इंशाल्लाह फिर ऊपर अल्लाह के पास जाएंगे और आप लोगों की शिकायत करेंगे जो गलत गलत कमेंट्स करते हैं। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दें और व्लॉग देखें ज़रूर, पर कमेंट इस तरह के ना करें। अगर अच्छे नहीं कर सकते तो बुरे भी नहीं करने चाहिए। हमने कोई पागल नहीं है कि हम उठ के हिना का एक्सीडेंट करवा दें। और आप लोग कहते हो कि मैं मेकअप कर लेती हूँ, हिना को मैं मेकअप नहीं करने देती। अच्छा अब ये नहीं नज़र आ रहा कि जब हम वहाँ पर घूमने के लिए गए हैं, हिना जब बेहोश हुई है उसको मेकअप नहीं किया हुआ था, उसको मेकअप किया हुआ था, बल्कि हम उसको बाद में छेड़ रहे थे कि यार तू बेहोश क्यों हुई, तू रोई क्यों, तेरा मस्कारा फैल गया, तेरा लाइनर फैल गया था, तूने इतना प्यारा मेकअप किया तो रोई क्यों थी, बल्कि हम तो उसको छेड़ रहे थे ताकि उसका मूड चेंज हो, उसका माइंड वहाँ पर दोबारा ना जाए। और सेकेंड ये कि आप कहते हैं कि आप खुद फिल्टर लगा लेती हैं तो हिना को काली काली बोलते हैं, फिल्टर तो पूरे व्लॉग में एक ही लगा होता है, मतलब जो व्लॉग एडिट होता है ना, जितना भी व्लॉग एडिट होता है वो सब सेम होता है। मैं हिना को जानबूझ के काली नहीं करती, वो बच्ची है,
और वो क्रीम्स वगैरह यूज़ करती है तो मैं उसको मना करती हूँ कि अपनी स्किन के ऊपर वो गलत जो केमिकल्स वाली क्रीम्स है ना वो इस्तेमाल ना करे, इसलिए मैं उसको मना करती हूँ, उसको छेड़ती हूँ ताकि वो इन सब चीज़ों से दूर चली जाए। जो चीज़ वो इस्तेमाल करे वो अच्छी हो, उसकी स्किन ना ख़राब हो। तो बड़ी बहनों का यही होता है कि वो अपने छोटे बहन भाइयों को अच्छा मशवरा दे। तो बाकी आप लोग जिस तरह की मर्जी बातें करते रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ना हंसी इस बात पे आ रही है कि लोग कहते हैं कि हिना ने मेकअप नहीं किया। यार आप जाके व्लॉग तो देखो, जाके आप गौर से देखो मेरे जो वो मैंने बेसरी जो सन ब्लॉक लगाया था ना, मस्कारा भी लगाया था, शेडो भी लगाई थी, पोमो वाली लिपस्टिक वो सारा कुछ लगाया था। जब मैं रोई थी वो सारा मेरे इधर इधर फैल गया था। वो एक अंकल थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे अंकल थे वो, उन्होंने मुझे उठाया, उठा के रश्के पे बिठाया ना जब, तो उन्होंने अपना रुमाल निकाल के दिया। मैंने कहा उन्होंने कहा ले बेटा इसे साफ कर लो। मैंने कहा मैंने साफ तो कर लिया अपना चेहरा। जब मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा जब वो निकाल के देखते होंगे इसी पे क्या मेकअप लगा होगा, मुझे इतनी हंसी आई। सारा मेकअप इसने वो अंकल के रुमाल पे लगा सारा, हाँ सारा मेकअप मैंने अपने। और आपने व्लॉग जाकर जरूर देखना है क्योंकि उधर मेरा मेकअप किया हुआ था। आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने मेकअप नहीं किया? मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही।